बिस्मिल रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम शाज़िब खान है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज इलेक्ट्रॉनिक। हम आज रिव्यू करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे और डिटेल बताएंगे आपको। हम मीडिया स्टार 4030 मॉडल का 4K मॉडल है, जिसमें H265 हैवेक सपोर्ट है, फुल 4K अल्ट्रा HD है, HDR 10 बिट है, VP9 10 बिट सपोर्ट करता है। इसमें मिलेगा आपको 15 महीने का फॉरएवर सर्वर, 1 ईयर का अपोलो IPTV, 6 मंथ का फॉरएवर IPTV, वाईफाई डोंगल, रिमोट 20,000 चैनल की इसके अंदर कैपेसिटी है, फुल HD 1080 4K तक सपोर्ट करता है, 3G सपोर्ट है, PVR रेडी है, DVB है, डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग 3D रेडी है, USB 2.0 सपोर्ट करता है, ब्लाइंड स्कैन है, मल्टी लैंग्वेज OSD सपोर्ट करता है, टाइम शिफ्ट है, यूट्यूब इसमें वर्क करेगी, फुल वाईफाई सपोर्ट है। अच्छा जी, इसके फीचर हैं DVB-S, DVB-S2, सेटेलाइट कम्प्लीमेंट, HEVC, MPG2, MPG4, H265, 4K अल्ट्रा HD, SCPC, MCPC, रिसीवेबल सी बैंड, KU बैंड, सेटेलाइट यूनिवर्सल सिंगल S एंड C बैंड, वाइड बैंड LNB कंपेटेबल, कोडेड 1/2 से लेके 9/10 तक ये सपोर्ट करता है, डाइसिप 1.0 से लेके 1.3 तक सपोर्ट करता है, 7 डे की इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड है, ब्लाइंड स्पॉट सर्च है इसके अंदर, मल्टी लैंग्वेज सर्च है, नेटवर्क सर्च है, मल्टी TP सर्च है, स्टोरिंग मेमोरी 100 सेटेलाइट की है, 4000 ट्रांसपोंडर एंड 20,000 चैनल की मेमोरी है, इसकी 16 MB की फ्लैश है इसके अंदर, यूनिकेबल सपोर्ट है, USB 2.0 है, सॉफ्टवेयर अपडेट डेटा कर्नल एंड फाइल सिस्टम अपग्रेड थ्रू USB, वेरिएबल एस्पेक्ट रेशियो इसकी है 4.3 से लेकर 50.9 तक, विथ पैन एंड स्कैन वेक्टर और लेटर बॉक्स ऑप्शन, आउटपुट रेजोल्यूशन इसके होंगे 480i से लेके 4096 पिक्सल तक ये सपोर्ट करता है, 16 बिट कलर स्क्रीन है इसकी, OSD VFD डिस्प्ले है इसका, ऑटो डाइसिक सर्च है, सपोर्ट ट्रांसपोंडर 8, डिलीट एडिट 8, फेवरेट ग्रुप है इसके अंदर, पेरेंटल कंट्रोल सपोर्ट करता है, लॉक सपोर्ट करता है, सपोर्ट प्रोग्राम लॉक डिलीट मूव रीनेम सपोर्ट करता है, सपोर्ट फंक्शन है FTA कैश सेटेलाइट ट्रांसपोंडर अल्फाबेट, इजी फंक्शन सच एज ग्रुप मूव रिकॉर्ड हिस्ट्री है इसके अंदर, 3G सपोर्ट ये करता है, सपोर्ट वेदर फोरकास्ट स्ट्रॉक व्यू करेंसी कन्वर्टर यूट्यूब RSS प्रियर टाइम। मीडिया स्टार का ओरिजिनल मॉडल है 4030 मॉडल। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको हम इसके दिखाएंगे इसके अंदर क्या क्या हमारे को सामान कंपनी की तरफ से मिलता है। बॉक्स ओपन करती है हमारे को मिल जाती है इसके अंदर HDMI केबल, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की है। उसके बाद ये मिल जाता है हमारे को रिसीवर का रिमोट कंट्रोल, फिर मिलती है इसके अंदर इसके हमारी वाईफाई की डोंगल जो कि कंपनी की ही है, 2 AA के सेल बैटरी सेल इसके अंदर हमारे को मिलते हैं, फिर उसके बाद हमारी डिवाइस मिल जाती है जो कि इसके अंदर डिस्प्ले है, VFD डिस्प्ले है, किसी भी चैनल का नाम वगैरह होगा तो नाम, कोई भी चैनल अगर आप देख रहे हैं चैनल चेंज कर रहे हो तो उसका नाम इसके अंदर आएगा, ये इसका मेन्यू का बटन है, ये इसके वॉल्यूम अप डाउन के चैनल के बटन है इसके अंदर, ये लोको है इसका, ये लाइट से चलेगा आपका, और ये पावर का बटन है, ये ओके का बटन है, और ये यहाँ पे इसकी है कैश एम्बेडेड हैगा, यहाँ पे कार्ड कोई भी आप लगा सकते हैं जो वर्किंग हो, यहाँ साइड के अंदर इसकी USB पोर्ट हैगी एक, यहाँ इसका पावर, यहाँ पे इसकी सेटेलाइट की पिन लगेगी, ये GoAxial केबल ऑडियो केबल हैगी एक, ये इसकी HDMI आउटपुट हैगी, ये सॉफ्टवेयर की केबल है इसकी, ये इसके USB 2.0 सेकंड पोर्ट है कि ये ऑडियो वीडियो की लीड इसमें लगेगी, और ये लैन कार्ड इसके अंदर लगेगा डायरेक्ट, ये इसका पावर है,
एसी 100 मिनिमम 100 वाट से लेके 240 वाट तक सपोर्ट करेगा, 30 वाट ये मैक्सिमम डिवाइस आपका यूज़ करेगी। अब हम इसकी एलसीडी के ऊपर इसका डिस्प्ले आपको दिखाएंगे और इसका सॉफ्टवेयर करने का तरीकेकार आपको इसका बताएंगे। मेन्यू ऑन करते इसके अंदर ये लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, इसको हम इंस्टॉलेशन पे जाके यूएसबी में ओके करेंगे। इंटर सॉफ्टवेयर मेन्यू में जाएंगे हम इसके, यहाँ पे ये इसकी फाइल पड़ी है हमारे पास मीडिया स्टार 4030 की, ये हमने इसको यस कर दिया, ये भी हमारा प्रोग्राम हो रहा है रिसीवर। अब हम आपको बताते हैं इसकी प्रोग्रामिंग के बाद की, इसका मेन्यू